वैसे ना आप बहुत छोटा सा समय लेके गए थी आप जी वहाँ पे घर में जी बिग बॉस टाइम में, तो क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे देखने के बाद? बहुत कुछ एक्चुअली। इस बार का घर बहुत 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 खूबसूरत है और बहुत अच्छी लाइटिंग्स है, बहुत स्पेशियस है। और जब आप घर के अंदर जाते हो, जो टीवी पे दिखता है ऑफकोर्स बहुत अलग होता है, यू नो, घर के अंदर का माहौल और सब कुछ। तो आई थिंक काफ़ी एक्साइटिंग रहा सब लोगों को पर्सनली मिलना और सबको एक टास्क देना। और आई थिंक इस बार लोग काफ़ी यू नो, आफ्टर थर्ड वीकेंड आई थिंक कुछ सारे कंटेस्टेंट्स थोड़े से जाग गए, काफ़ी सीरियसली हर टास्क को ले रहे थे और हर चीज़ करने के लिए तैयार थे जो फर्स्ट वीक में हमें नहीं दिखाई दिया। तो या एंड बिग बॉस इज़ ऑलवेज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी, यू नो। जब भी मैं जाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत वार्म वेलकम मिलता है। कभी कभी ऐसा लगता है शायद यू नो वो मेरा एक्चुअल घर है, तो इट्स अ वेरी गुड कनेक्टिविटी। जी, सना गान जाती है वहाँ पे तो क्या जादू वादू करके आती है क्या? फिर ऐसा कुछ है इसलिए उनको भेजा नहीं, जाता है खास आई डोंट नो, बिकॉज यू नो जब भी मुझे भेजते हैं ऑफकोर्स मैं पूछती हूँ कि यू नो मैं इतनी साइलेंट कैरेक्टर हूँ, मैं बिल्कुल वैसा कुछ कर नहीं पाती हूँ, बट स्टिल वो लोग हर साल कॉल करते हैं मुझे, हर चीज़ के लिए कॉल करता है कलर्स। तो आई रियली फील वेरी हैप्पी एंड आई ऑलवेज टेल कलर्स यू नो दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल 3 साल से, यू नो वो कंसिस्टेंसी रहना इन चॉइस ऑफ लाइकिंग यू और वो फेवरेट रहना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट आई थिंक आई एम वेरी लकी कि ये तीसरा, इनफैक्ट ये 6 के बाद ये 9th सीज़न है, तो ये ऑलमोस्ट 4th सीज़न है और हर बार मुझे बुलाया जाता है, तो डेफिनेटली मुझे बहुत स्पेशल लगता है। आई होप कलर्स मुझे ऐसे ही प्यार करता जी, रहे। लकी लकी कह सकते हैं ना। येस आई थिंक मतलब मेरे लिए डेफिनेटली बिग बॉस लकी ही रहा है इन टर्म्स ऑफ माई स्टे, इन टर्म्स ऑफ माई वर्क। तो आई थिंक मेरे लिए यू नो एक अलग ही बॉन्ड है कलर्स के साथ और बिग बॉस के साथ। जी, कंट्रोवर्सी नहीं हो रही तो मजा नहीं आ रहा, कुछ मसाला नहीं है, कुछ नहीं ऐसे मानते हो? जरूरत है कुछ? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमेशा कंट्रोवर्सी होना ज़रूरी है मसाला या मजाक के लिए। आई थिंक अगर लोग थोड़े से इंटरेस्टिंग भी हो जाए और जो वो लोग, जैसे मैंने आज उनको बोला है घर में कि अगर आप लोग आपस में भी बात करते हो तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बातें करो, यू नो, ताकि हमको सुनने मज़ा आए। प्लस आप 24 घंटा एक दूसरे के साथ रहते हो बट आप किसी के बारे में पर्सनली नहीं जानते हो, तो मैंने आज घर में एडवाइस दिया है कि प्लीज़ लोग अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताओ, ताकि जो ऑडियंस देख रही है वो जान पाए आपका यू नो प्रेजेंट पास्ट क्या चल रहा है। प्रेजेंट तो हम देख ही रहे बट एटलीस्ट पास्ट पता चलता है, तो इट्स इजियर टू रिलेट, यू नो, उनका। अगर अगर किसी के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि वो इंसान कैसा है। सो आई होप कि वो लोग यू नो बैठ के आपस में बातें कर रहे हो और उनकी जिंदगियों के बारे में बताए तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जी, आपको तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, तो आपने कुछ शेयर किया, किसी को बताया, यू नो? ऑफ कोर्स मुझे जब मैंने जो भी शो देखा, मुझे कंटेस्टेंट्स के बारे में जो भी लगा मैंने अंदर बताया, मैंने बहुत ऑनेस्टली बताया कि कौन अच्छा लग रहा है, कौन बहुत डल लग रहा है, कौन बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बिकॉज आई थिंक जब आप अंदर जाते हो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको बताओ कि यू नो कौन नहीं अच्छा लग रहा, अदरवाइज वो इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। हो सकता है इनमें से कुछ कोई इतना इम्प्रूव कर जाए। सो आई थिंक आई हैव गिवन माई बिट ऑफ एडवाइस एंड अगर वो फॉलो करे तो अच्छी बात है। जी, कौन डर लगा आपको वहाँ पे? मुझे आई थिंक दिगांगना और युविका बहुत डर लग रहे हैं, यू नो, बिकॉज उनमें मुझको लगता है वो कर सकते हैं शो में कुछ, यू नो, बिकॉज दे बोथ आर गुड एक्ट्रेसेस और उन्होंने अच्छा खासा काम किया है। तो मैंने उन दोनों को बोला है कि प्लीज़ यू नो थोड़ा सा बोलो और थोड़ा ज़ोर से बोलो, समझ में आना चाहिए लोगों को, क्योंकि बेचारे दब जाते हैं बाकी के, क्योंकि वो थोड़े से यू नो स्वीट है, बाकी के लोग बहुत इंटिमिडेटिंग कैरेक्टर्स है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है और इंडस्ट्री में काफ़ी साल काम किया है, तो यू नो वो बेचारे उनके नीचे वो हो जा रहे हैं। तो मैंने कहा बस बातें करो, क्योंकि मैं मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है, यू नो कभी कभी आप इंटिमिडेट हो जाते हो जब स्ट्रॉन्ग एक्टर्स, ज़्यादा फेमस एक्टर्स आपके सामने होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपका पर्सनालिटी दिखाना ज़रूरी है। कोई स्मार्ट बंदा जो लगा बहुत ज़्यादा दिमाग वाला है? ऑफकोर्स अमन इज़ वेरी स्मार्ट, कीत इज़ वेरी स्मार्ट एंड किश्वर इज़ वेरी स्मार्ट, इवन इनफैक्ट प्रिंस, ये 3-4 लोग बहुत स्मार्ट लोग हैं और वो लोग बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं और फिलहाल गेम बहुत नीट खेल रहा है, कुछ गंदगी नहीं है, तो मज़ा आ रहा है। जी, सलमान किसको सपोर्ट? आपने तो देखा ही होगा सलमान किसके? अब ये बहुत जल्दी बट ऑफ कोर्स आई थिंक अभी फिलहाल सलमान, अगर आप देखोगे वीकेंड एपिसोड्स, तो वो सिर्फ सब लोगों को समझाने में लगे कि कुछ करो, यू नो, कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ करो। सो आई थिंक 1-1.5 महीना होगा तब एग्जैक्टली पता चलेगा कि शो हो क्या रहा है और कौन कैसा है और कौन क्या निखर के आ रहा है शो। जी, इमोशनल हुई आप जब निकल रही थी? यार थोड़ा दिन और रुक जाता। एक्चुअली मुझे ऐसा लगा मैं क्यों इतने जल्दी जा रही हूँ, घर वाले कह रहे थे नहीं हमें और रुकाओ, इन्हें और रुकाओ। तो आई थिंक वो बेचारों को बहुत अच्छा लगता है जब कोई नया आता है, और जब बाहर का कोई इंसान कुछ कहता है तो वो बहुत जल्दी करते हैं, घर वालों की बिल्कुल नहीं सुनते, जैसे हम होते रियल लाइफ में ना, अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते, पर अगर हमसे दोस्त कुछ कहने बोले तो हम इमिजिएटली कर देते हैं। तो आई थिंक वही हाल बिग बॉस का होता है। तो हाँ, बट बहुत मज़ा आया, बहुत कम वक्त था ऑफकोर्स। फिर से जाना चाहेंगे? हाँ, आपको मौका मिले तो क्यों नहीं। जी।
थैंक यू। एक मिनट, दूसरी बाइट है सना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में हर साल हजारों फिल्में बनती हैं, बट बच्चों के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनाई जाती है। बहुत रेली होता है कि एक दो फिल्में बन जाती हैं। तो मानती है आप कि उनके ऊपर फिल्में, उनकी लाइफ के ऊपर फिल्में बननी चाहिए, बच्चों की लाइफ पे उनके लिए, खास उनके लिए फिल्में बननी चाहिए? एक्चुअली बनती है, पर बच्चों को कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से एनिमेटेड फिल्म्स भी बन रही है, अगर आप क्रिश भी देख लो, इतने बड़ी लेवल की फिल्म बनानी पड़ती है बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए। बड़े थोड़े जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं, बट डेफिनेटली आई थिंक कॉमेडी फिल्म्स होती है जो, और ऑफकोर्स सारे खान्स बच्चों में ऑलरेडी इतने फेमस है, तो उनके लिए तो वो एक फिल्म बन ही जाती है। बट हाँ, अगर बच्चों के लिए भी बने तो व्हाई नॉट, बहुत सारी अच्छी फिल्में बनी है बच्चों के लिए। फिल्म फेस्टिवल भी होने चाहिए ना। आई थिंक बच्चों को बच्चे ही रहना चाहिए फिलहाल फिल्म फेस्टिवल्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा यंग है। आई थिंक बच्चों को जितना थोड़ा इमोशनली इन चीज़ों से दूर रखो, तो आई थिंक वो अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं। और इट्स इंपॉर्टेंट आज की तारीख में, अगर आपको लाइफ में कुछ आगे बनना है, अच्छा करना है, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं ना, आपको भी जैसे मुझे भी बहुत सारे बच्चे जानते हैं, तो वो कहते हैं अरे हमको वी वांट टू वर्क। मैं हमेशा यही एडवाइस करती हूँ कि इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी फर्स्ट, एक्टिंग बॉलीवुड एंटरटेनमेंट हमेशा जिंदा रहेगा, तो आई थिंक वी शुड प्रमोट दैट मोर देन एक्टर्स, चिल्ड्रंस वर्किंग एंड नॉट कम्प्लीटिंग द एजुकेशन। लास्ट एक्चुअली क्या हो गया कि बहुत सारे स्कूल्स हैं जो वो मिलके एक चिन्ह फेस्टिवल मना रहे हैं। चिन्ह पे जो बच्चों के लिए खास कर होगा, उनके उन पे आधारित फिल्मों को दिखाने, तो आप उनके लिए एक विश कर सकती हूँ कि क्या बोलूँगा, दिस इज सना खान एंड चिन्ह फेस्टिवल को चिन्ह फेस्टिवल के सभी दर्शकों, चिन्ह फेस्टिवल के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। हाय, दिस इज सना खान, चिन फेस्टिवल के लिए सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। मुझे चीन सुनाई दिया, तो चिन फिल्म फेस्टिवल के सभी योद्धाओं को मैं शक्तिमान की तरफ से ढेर सारी शक्तियां देना चाहता हूं, और भीष्म पितामह की तरफ से कहना चाहता हूं विजयी भव।